इधर प्रयाग में ना गंगा सागर, इधर प्रयाग में ना रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले सन्यासी। मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना जाना रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी, चित्तौड़गढ़ देखने को मेरी आंखें हैं प्यासी। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था दुर्ग, और दुर्गों में जिस दुर्ग के बाद आज हम अध्ययन करेंगे वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग, राज संबंध। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। उससे पहले यदि दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ दोस्तों? राज संबंध में। कहाँ है कुंभलगढ़? राज संबंध में। इसका जो निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, किसकी देखरेख में? मंडन की देखरेख में, ठीक है। कुंभा ने मंडन की देखरेख में करवाया था दोस्तों। तो आपको बता दूं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग, ठीक है दोस्तों। दुर्ग के अंदर दुर्ग है दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और कटारगढ़ दुर्ग कुंभा का निवास स्थान था। क्या था? कुंभा का निवास स्थान था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई दोस्तों चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार मानी जाती है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कितनी है? 36 किलोमीटर है, और 7 मीटर चौड़ी है, जो एक साथ 4 घुड़सवार इस पे चल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर। आगे दोस्तों देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो कुंभा ने करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था कुंभा ने, निर्माण करवाया था कुंभा ने अपनी पत्नी के नाम पर। कुंभा ने अपनी पत्नी के नाम पर, इनके नाम पर दोस्तों, पत्नी के नाम पर, नाम पर, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी के नाम पर। आगे दोस्तों किसकी देखरेख में करवाया था? तो सूत्रधार मंडन की देखरेख में, मंडन की सूत्रधार मंडन की देखरेख में, देखरेख में, ठीक है दोस्तों। किसकी देखरेख में करवाया था इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों? मंडन की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके जो उपनाम मिलते हैं जो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के, उनके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। उपनाम क्या क्या मिलते हैं आपको बता दूं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम मिलते हैं, मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। तो दोस्तों मैं लिखवा देता हूं, मेवाड़ के, लिखो दोस्तों, मेवाड़ के राजाओं की, मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। क्या दोस्तों? शरणस्थली, शरणस्थली, ठीक है दोस्तों, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्त्री। आगे चलते हैं दोस्तों, एक तो उपनाम यह हो जाएगा, दूसरा इसका जो उपनाम हो जाएगा दोस्तों, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, सीमा का प्रहरी, ठीक है दोस्तों। इसके उपनाम हो जाएंगे मेवाड़ के राजाओं के शरण स्थली, दूसरा है दोस्तों मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, निर्माण कुंभा ने करवाया था। आगे चलते हैं देखो दोस्तों, इस दुर्ग की ओर आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। आगे चलते हैं, इस दुर्ग में अंदर कौन कौन से राजाओं का राज अभिषेक हुआ था दोस्तों? तो ये भी लिख लो दोस्तों, राज अभिषेक, राज अभिषेक किस किस का हुआ था दोस्तों? राज अभिषेक वो भी लिख लो दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों महाराणा उदय सिंह का राज अभिषेक हुआ था। किनको हुआ था? महाराणा उदय सिंह का कब हुआ था दोस्तों? यदि पूछ ले आपसे तो इनका राज 1537 में हुआ था, ठीक है, 1537 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था महाराणा प्रताप का। किनका हुआ था? महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का। इनका दोस्तों कब हुआ था? 1572 में। कब हुआ था? 1572 में, ठीक है दोस्तों। महाराणा उदय सिंह का राज अभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था दोस्तों 1537 में, महाराणा प्रताप का 1572 में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों, पन्ना धाय ने, ये भी याद रखना दोस्तों, पन्ना धाय ने अपने पुत्र संदन का बलिदान देकर अपने स्वामी उदय सिंह की रक्षा जो की थी दोस्तों वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही की थी। तो ये भी लिख लो दोस्तों, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन, क्या नाम था दोस्तों? चंदन, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर,
बलिदान देकर देकर अपने स्वामी, तो दोस्तों अपने स्वामी कौन थे दोस्तों, अपने स्वामी उदय सिंह, अपने स्वामी उदय सिंह की रक्षा की थी दोस्तों, उदय सिंह की रक्षा इसी दुर्ग में की, रक्षा इसी दुर्ग में की। ठीक है दोस्तों, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर अपने स्वामी उदय सिंह की रक्षा दोस्तों इसी दुर्ग के अंदर की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों उदय सिंह का राजाभिषेक और महाराणा प्रताप का राजाभिषेक। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कुंवर पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज का जो बाल्यकाल जो व्यतीत हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही हुआ था। इनको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, तो इनको भी दोस्तों लिख लीजिए कुंवर पृथ्वीराज का। लिखो दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज, कौन दोस्तों पृथ्वीराज, जिन्हों क्या कहा जाता दोस्तों उड़ना राजकुमार, ये भी लिख लो उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। कुंवर पृथ्वीराज का बाल्यकाल, का बाल्यकाल, बालकाल, बाल्यकाल यही व्यतीत हुआ था, यही व्यतीत हुआ था, हुआ था। ठीक है दोस्तों, खावा था कुंभलगढ़ दुर्ग में, और वर्तमान में इनकी छतरी 12 खंभों की छतरी दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में है। लिख लो दोस्तों ये भी, वर्तमान में इनकी इनकी 12 खंभों की छतरी, इनकी दोस्तों पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी छतरी इसी दुर्ग में स्थित है, इसी दुर्ग में स्थित है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, स्थित है कुंवर पृथ्वीराज, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इनका बाल्यकाल इसी दुर्ग में व्यतीत हुआ था, इन्हें इनकी 12 खंभों की छतरी दोस्तों इसी दुर्ग में स्थित है। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर आगे चलते हैं, दुर्ग की दीवार की ओर दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, उसकी लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार मानी जाती है। ये भी लिख लो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की निर्माण, कुंभलगढ़ दुर्ग की लिख लो दोस्तों, इस दुर्ग की दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी दीवार मानी जाती है, दूसरी बड़ी दीवार। ठीक है दोस्तों, दूसरी बड़ी दीवार मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग की कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की जो लंबाई है दोस्तों 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। यदि इसकी चौड़ाई पूछ रहे दोस्तों, दीवार की चौड़ाई तो इस भी लिख लो दोस्तों, दीवार की चौड़ाई 7 मीटर है। कितनी है 7 मीटर, एक साथ चार घुड़सवार चल सकते हैं दोस्तों। इस दुर्ग की दीवार की लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर है, तो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। दीवार की चौड़ाई दोस्तों 7 मीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था। अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। यह भी लिख लो दोस्तों, अबुल फजल ने कहा था। ये बात किसने की थी, अबुल फजल ने, ये लिख लो दोस्तों अबुल, इसने दोस्तों अबुल अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग के बारे में, इस दुर्ग के बारे में कहा
था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। देख ठीक है दोस्तों, दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। आगे चलते हैं, देखो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग, उसको भी लिख लो दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ दुर्ग। देखो दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग स्थित है जो कुंभा का निवास स्थान था। ठीक है दोस्तों, निवास स्थान था। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों एक और दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है, यहां लिख लो दोस्तों, हेडिंग में डाल लो कटारगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग के अंदर दोस्तों एक और दुर्ग है, उसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग दोस्तों कुंभा का निवास स्थान था। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर कुंभा की हत्या इनके पुत्र उदा ने की थी दोस्तों, ये भी लिख लो। इसी दुर्ग के अंदर ये भी लिख लो दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभा की हत्या इन्हीं के पुत्र ऊधा ने की थी दोस्तों। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों महाराणा कुंभा थे दोस्तों, कुंभा की हत्या इन्हीं के पुत्र ऊधा ने की थी। कहाँ की थी? कटारगढ़ दुर्ग में दोस्तों। कटारगढ़ दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ये भी लिख लो दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग को दोस्तों मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक और दुर्ग, उसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग, जो कुंभा का निवास स्थान था। इस कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही जो उदो थोदस्ता कुंभा का जो पुत्र था दोस्तों, उदो ने जो कटारगढ़ दुर्ग है इसी के अंदर अपने पिता कुंभा की हत्या की थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको टॉपिक कैसे लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।